इंडिया वर्सेज चाइना वर्सेज जापान। दोस्तों इंडिया, चाइना और जापान ये तीनों ही कंट्री दुनिया के पावरफुल कंट्री में गिना जाता है, जबकि इंडिया और जापान का रिश्ता चीन के साथ बहुत ही खराब है। और आज हम इन तीनों देशों के बीच डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, जिनमें ये सारे पैरामीटर शामिल होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं एरिया से। दोस्तों इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि चीन का 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और जापान का 0.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का पॉपुलेशन 1.43 बिलियन है, जबकि चाइना का 1.42 बिलियन और जापान का 123 मिलियन। दोस्तों इंडिया का नॉमिनल जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर है, तो वहीं चाइना का 24.2 ट्रिलियन डॉलर और जापान का 4.4 ट्रिलियन डॉलर है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम इंडिया का 2691 डॉलर है, जबकि चाइना का 14340 डॉलर और जापान का 39243 डॉलर है। दोस्तों इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 में 6.3% का है, वहीं चीन का 5.2% और जापान का सिर्फ 1.3% है। इंडिया का लिटरेसी रेट 78% है, जबकि चीन का लगभग 97% और जापान का 99% है। दोस्तों इंडिया हर साल 892 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट करता है, जबकि चीन 3.5 ट्रिलियन डॉलर का और जापान 897 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट करता है। इंडिया हर साल 770 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, तो वहीं चीन 3.8 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जबकि जापान लगभग 747 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। करेंसी वैल्यू की बात करें तो $1 इक्वल टू 83 इंडियन रूपी होता है, जबकि $1 इक्वल टू 7 चाइनीज युआन और $1 इक्वल टू 146 जापानी येन होता है। दोस्तों अगर बात करें मिलिट्री की, तो इंडिया के पास 1.45 मिलियन एक्टिव पर्सनल है, जबकि चीन के पास 2 मिलियन और जापान के पास 0.25 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। डिफेंस बजट इंडिया का 72.9 बिलियन डॉलर है, तो वहीं चाइना का 230 बिलियन डॉलर और जापान का 54 बिलियन डॉलर है। बात करें लैंड पावर की, तो इंडिया के पास टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर 9525 है, जबकि चीन के पास 12324 और जापान के पास 1821 है। एयर पावर में इंडिया के पास 2210 एयरक्राफ्ट और 807 हेलीकॉप्टर है, वहीं चाइना के पास 3384 एयरक्राफ्ट और 913 हेलीकॉप्टर है, जबकि जापान के पास 1451 एयरक्राफ्ट और 566 हेलीकॉप्टर है। नेवल पावर में इंडिया के पास टोटल एसेट्स 295 है, जबकि चीन के पास 730 और जापान के पास टोटल एसेट्स 155 है। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स 170 के करीब है, जबकि चीन में 540 बिलियनियर्स है, जापान में 42 बिलियनियर्स है। बात करें टॉप रिलीजन की, तो इंडिया में 79.8% लोग हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, जबकि चीन में 74% लोग कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं और जापान में भी 62% लोग कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं। दोस्तों इंडिया में हर साल 20 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, जबकि चीन में 66 मिलियन और जापान में 33 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।